हर्बल धारा एक माँ औषधि है जो पीड़ा नाशक, पाषण विकार व कीटाणु नाशक है हर्बल अमृत धारा की तीन चार बूँदें सेवन करनी चाहिए किंतु रोग की तीव्रता के समय पाँच सात बूँदें आधे आधे घंटे के अंतर से सेवन कर सकते हैं एक वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को एक बूंद व एक वर्ष से कम आयु के बच्चों को एक बूंद हर्बल अमृत धारा पानी में मिलाकर उसका आधा भाग देना चाहिए हर्बल अमृत धारा उचित माध्यम के साथ मिलाकर लेने से यह अधिक लाभ देती है और इसकी क्षमता प्रभाव में वृद्धि हो जाती है उचित अनुपान न मिलने पर केवल पानी के साथ भी सेवन कर सकते हैं पेट के विकारों के लिए पेट दर्द या गैस में तीन चार बूंदें हर्बल अमृत धारा हल्के गर्म पानी या चीनी के साथ हर आधे घंटे में आराम आने तक लें अधिक लाभ के लिए हर्बल अमृत धारा के अर्क से अर्क के लिए सौंफ को पानी में उबालें, अगले दो दिनों तक दिन में तीन बार सेवन करें कमजोर पाषण शक्ति भूख की कमी होने पर हर्बल अमृत धारा एक एक चम्मच चीनी या गुनगुने पानी में भोजन के आधा घंटा पहले एक सप्ताह तक लें। भोजन के उपरांत भारीपन में करने या गैस की दशा में हर्बल अमृत धारा पंद्रह बीस दिनों तक भोजन के पश्चात लेनी चाहिए उल्टी में पांच सात बूंदे हर्बल अमृत धारा एक चम्मच अनार के रस या अनार दाने के रस या चीनी के साथ हर आधे घंटे बाद सेवन करें एक बार दवा सेवन करने के बाद भी यदि उल्टी हो तो दोबारा अमृत धारा लेने से उल्टी तुरंत बंद हो जाती है डायरिया दस्त दस्त में हर्बल अमृत धारा के पांच सात बूंदे एक चम्मच पानी या अदरक के रस के टुकड़े को काट कर अदरक का पानी उबाल कर उसके अंदर डाल करके उबले हुए पानी के साथ हर आधे घंटे पर सेवन करें आराम मिलने पर इसके बाद अगले दो दिनों तक दिन में तीन बार सेवन करें उल्टी और दस्त एक साथ होने या हैजा जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर हर्बल अमृत धारा पाँच सात बूंदे प्याज के रस के साथ हर दस दस मिनट बाद सेवन करें आराम होने के बाद भी तीन चार दिन तक दिन में तीन बार अवश्य सेवन करें वर्षों से पहले जब हैजे का अन्य कोई इलाज नहीं था तब जान बचाने के लिए केवल अमृत धारा ही एकमात्र इलाज था लू से बचने के लिए हर्बल अमृत धारा अचूक औषधि है और गर्मियों में लू से बचने के लिए तथा तो लू लगने के बाद दिन में तीन बार तीन चार बूंदें पानी के साथ सेवन करें स्थिलता तथा तो चक्कर आने पर सफर में अथवा ठंडा पसीना थकान व दिल के घबराने की दशा में तीन चार बूंद अरक इलायची गर्म पानी में कूटी इलायची या चीनी में मिलाकर लें और 10 से 20 मिनट में पुनः सेवन करें इसकी बंद न हो तो पाँच सात बूंदे हर्बल अमृत धारा एक चम्मच पानी में हर 10-10 मिनट बाद आराम आने तक सेवन करें कटे घाव तथा छोटे कीटों के काटने पर यह दर्द निवारक औषधि है कटे घावों कीटों जैसे ततया चिट्टी मच्छर आदि तथा सूजन के स्थान पर रुई के फांसे लगाने से दर्द व सूजन दोनों तुरंत आराम मिलता है हर्बल अमृत धारा में रुई लगाकर पीड़ित स्थान पर लगाने से आराम दिलाती है जोड़ों तथा मांसपेशियों के दर्द में सूजे हुए या बिना सूजे हुए शारीरिक जोड़ों के दर्द गठिया तथा कमर दर्द इत्यादि में हर्बल अमृत धारा को दस गुना तिल या नारियल तेल में मिलाकर पीड़ित स्थान पर मलय नजला जुकाम में किसी कपड़े अथवा रूमाल पर कुछ बूंदें हर्बल अमृत धारा डालकर सूंघने मात्र से लाभ होता है इससे पाँच सूंदे आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर जिसमें थोड़ा नमक मिश्रित हो दिन में तीन बार गरारे करें पाँच स बूंद पानी में डालकर उसकी भाप लेने पर जुकाम खुल जाएगा सिर दर्द में आँख और भावों को बचाकर हर्बल अमृत धारा माथे पर लगा सकते हैं